अम्बेडकर, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब भाइयों। आज हमने बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग किया हूँ, बट पता नहीं अब शायद हम लोग से होगा या नहीं होगा, ये तो नहीं बता सकते हैं। आज हम लोग, मेरा एक मेंबर है नीतीश, उसी के अंकल के शादी में आया। बहुत ही एक गांव है जो कि आज तक ऐसा गांव देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए कैसे खेती हो रही है, पानी का पटावा हो रहा, इधर खेती हो रही है, हरे भरे एकदम माहौल है पूरी तरह, जिसको देखने में बहुत ही रमणीय लग रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दिन और ठहरे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग अपने फैमिली के साथ फिर चले जाएंगे। आज मेरे फ्रेंड जो है, जो ये 5 स्टार मेंबर का ग्रुप का मेंबर जो है, ये नीतीश कुमार, उन्हीं का अंकल का आज बारात जाना है हम लोग को। यही करीब 11 बजे निकल जाएंगे। और ये जिला समस्तीपुर पड़ता है, और इसे शादी भी उसका समस्तीपुर ही हो रहा है। बस यहाँ इसके घर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी है। वाह का सीन यार, कितना गजब लग रहा है देखने में ये सब चीज़। मानना तो पड़ेगा, गांव का माहौल जो होता है ना, बहुत ही शांत होती है। और यहाँ की खेती बाड़ी, यहाँ की हरियाली, भारी भरी एकदम पर्यावरण जो होती है, एकदम स्वच्छ हवा मिल रहा है हम लोग को। ऐसे गांव में रहते, शहर में रहते थे खगड़िया में, जो कि हम लोग को थोड़ा सा घुटन महसूस होता था, लेकिन आज जैसे हम लोग गाँव आए हैं, इस गाँव का नाम है तारा बरियारपुर, और ये इसका जंक्शन पड़ता है, रोसरा जंक्शन पड़ता है, ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ की हरियाली इतनी हरी भरी है कि आप लोग को बता नहीं सकते हैं। सांस लेने में जो हम लोग को पहले कठिनाई होती थी, आज इतना अच्छा लग रहा है सांस लेने में भी। मतलब आप लोग अगर फील करते हो ना, तो आप लोग को पता चल जाएगी क्या होती है गाँव की जिंदगी। शायद आप लोग भी कुछ भाइयों होंगे जो कि मतलब ये गांव से बिलोंग करते होंगे, तो उन लोग को पता होगा कि गांव का क्या हरियाली होती है। देखो भाई ये क्या सीन है, यहाँ पे कच्चा 2-3 कच्चा टमाटर है, जो कि हम लोग मतलब ये शहर में रहते थे तो नहीं पता चला है, लेकिन आज गांव में आए तो देखने को मिल रहा है ये सब चीज़ें। कुछ मेरा दोस्त लोग जा रहा है आगे, और यहाँ की मानना पड़ेगा ये सब जो है ना, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी कि आप लोग शायद आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ की जो होती है ना, ये पर्यावरण भी बहुत ही अच्छी लग रही है। एज लाइक भाई देख लो आप लोग, ये वृक्ष है देख लो, कितना अच्छा लग रहा है। ये सब शहर में देखने को नहीं मिलेगा भाई, बस हम लोग जो मतलब ये गांव आए ना, तभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। वाह देखो ये लोग इतना छोटा छोटा वृक्ष, आज मतलब देखे हैं शहर में ही देखे हैं, लेकिन ऐसे गांव में नहीं देखे थे, आज देखने को भी मिल रहा है। कभी हम लोग ऐसे गांव में नहीं आए, लेकिन आज बहुत दिन के बाद अपने दोस्त के अंकल के शादी में आए हैं, तो ये सब देखने को मिल रहा है। उफ ये एक शर्मनाक चीज़ है, जो कि मतलब जंगल में आग लगी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी क्या कीजिएगा, होता है ना कि कुछ दुष्कर्म व्यक्ति होता है जिससे मतलब ये पर्यावरण को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इन मतलब ये सब चीज़ उनको समझना चाहिए कि नहीं, पर्यावरण है भाई, इससे हम लोग को मतलब कि बहुत कुछ मिल रही है, ये नेचुरल चीज़ है भाई, ना कि आर्टिफिशियल है। इन लोग इस सब चीज़ को बर्बाद मत करो। ये जो भाई मतलब आप इन सबको पहचानते होगे, शायद इनको ठेठ भाषा में ना, शायद इनको खाद बनती है खेत में, बहुत ज़्यादा उर्वरक मतलब उपजाऊ है बहुत ही, अगर इसको खेत में दिया जाए ना, तो इससे इतना उपजाऊ बेटर हो जाती है, जो कि मतलब कि एक किसान के लिए बहुत ही लाभदायक हो जाती है। खगड़िया का मेंबर फिर से बोल, ये सब जो है यही लोग है, मतलब ये जो ब्लू टी शर्ट में वो मुन्ना है, और ये रेड शर्ट में जो है ये लड़का नीतीश से, इन्हीं के अंकल का शादी हो रहा, और आगे में जो व्हाइट टी शर्ट वो अमित है, जो कि हम लोग उनको बॉडी गार्ड के नाम से जानते हैं, और ये जो लड़का है ये ऐसे हम लोग का मामू है। ए मामू, मामू इधर देखना अपना। देखो हम लोग गाँव में आए घूमने के लिए भाई,
और इसका पैर देखो आज कितना गंदा लग रहा है। यही होता है गांव गांव का माहौल। बहुत लेकिन अच्छा लग रहा, पैर ही गंदा हुआ ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बहुत अच्छा लग रहा। ये मतलब छोटे मोटे गली से होते हुए यहाँ से निकल गए। देखो खेती होने के बाद जो मतलब भुट्टा उठा उसको छोड़ा के यहाँ पर जो बिछाया गया है सूखने को दिया जाता है। ये सब देखने को नहीं मिलता यार, गांव आए तभी सब देखने। कितना अच्छा लग रहा है देख लीजिए, ये एक नज़ारा देखो, वाह क्या नज़ारा है ये। आप भी गांव घूमिए अच्छा लगेगा आपको भी। ऐसे मतलब बहुत सारे भाई लोग जो होंगे ना वो मतलब गांव घूमे होंगे, उन लोग को पता होगा।